नमस्कार दोस्तों, विष्णुदत्त विश्नोई प्रकरण में जांच प्रक्रिया तेज। सीबीआई ने किया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। जानेंगे क्या है पूरी खबर। उससे पहले अगर आप विष्णुदत्त विश्नोई से जुड़ा छोटा व बड़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रदेश के चर्चित थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई केस में अब जांच प्रक्रिया में तेजी दिखाई देने लगी है। थानाधिकारी की ओर से आत्महत्या करने के मामले में अब सीबीआई ने भी तेजी दिखाना शुरू कर दी है। खास बात यह है कि दिल्ली की सीबीआई विंग ने इस मामले में अब थाना प्रभारी को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सीआई विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस में राजस्थान की सीआईडी सीबी जांच कर रही थी। सीआईडी देगी सीबीआई को रिपोर्ट। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारी के इस मामले में अब सीआईडी जल्द ही सीबीआई को जांच संबंधी दस्तावेज सौंपेगी। सीबीआई की टीम एक दो दिन में सीआईडी से जांच संबंधी सारे दस्तावेज को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटेगी। आपको बता दें कि परिवार और विश्नोई समाज की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। आपको बता दें कि 24 जून को गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को फाइल भेजी थी, जिस पर 26 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिनको इस पूरे प्रकरण के बारे में नहीं पता है, उनको बता दूं कि विष्णुदत्त विश्नोई ने 22 मई की रात को अपने सरकारी आवास में ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। उनकी ओर से दो सुसाइड नोट छोड़े थे, जिसके बाद कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया पर भी कई आरोप लगे थे। लिहाजा लगातार इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश की मांग की जा रही थी। और अब जैसे जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी तो नए नए खुलासे होंगे और हम उन खुलासों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विष्णुदत्त विश्नोई प्रकरण से जुड़ा छोटा व बड़ा अपडेट आपको मिलता रहे।